दोस्तों ये वाला जो पम्प था वो इसका शाफ्टिंग जो है वो पूरा कट गया था, तो शाफ्टिंग कटने के वजह से वो लीकेज हो जा रहा था। ठीक है तो बोलो ना, तो कुछ बोले कौन सी बात ना? सुना ना सुना, अरे सुने में मजा होगी ना, लेकिन कोई बोल दिया मैं सुने तो साला खाना तो ना सकता हूँ, लेकिन लागो बाहर बाजू ना लागो। थोड़ा काट काट के बना सुन पूरा बना सुन करेंगे तो बस कट हिसाब से सब चीज़ सेट कर लेंगे। सब सब में क्या बात ऐसे का टिकट है लकी का धरी है नहीं है ना इसके पास फोन भी किया मैं बिलाल गया नहीं जेतर मैं थोड़ा जाऊंगा तो कौन गया वो जेतर को क्या करना वो फोन किया जब किसी में बोलते थे कि बिलाल को या वो इसको भेजने का है इसको क्या बोले थे और पिछले का तो खोल क्या हम तो वो अभी से नौकर ना वो सील ना पंजाब का वहीं पे था पंजाब का पंजाब का काम था हाँ पंजाब का था वो आइटम टाके के तो बना बन जाएगा ना ये तो एक मोटा ही
तो हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग केस का जो लोडर आता है बॉकेट, उसका पंप हम लोग फिटिंग करेंगे। कैसे कैसे फिटिंग करेंगे वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम इसका शाफ्टिंग तैयार कर लेते हैं। इसका लॉक डाल देंगे। फिर हम इसका बेयरिंग डाल देंगे। तो अब हम इसका एक और लॉक आता है जो वो लगा लेंगे। अच्छे तरह से बैठा देंगे इसको। ये हमारा लॉक बैठ गया। दोस्तों अब हम इसके अंदर सेफ्टिंग लगा देंगे। लॉक लगा देंगे। दोस्तों अब हम इसका रोटर तैयार कर लेते हैं। तो हम इसका पिन का जो लॉक है वो थोड़ा ऊपर ले लेंगे।
दोस्तों हमारा जो है सिलेंडर ब्लॉक जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे ऐसे उल्टा करके। दोस्तों अब हम लोग इसका हेड तैयार कर लेते हैं। ये इसका वॉल प्लेट है। दोस्तों हम इसके पैकिंग के ऊपर थोड़ा एनाबम प्यू मार देंगे। इसमें क्या बताना भाई, ये भी सीख जाएगा। हेड इसमें लगा देंगे। एक काम कर लिया है पंप, अब हम इसमें चार्जिंग पंप लगा देंगे। यह है हमारा चार्जिंग पंप, इसको हम इसमें लगा देंगे। दोस्तों इसका चार्जिंग पंप फिट कर रहे हैं। ये है इसका लोक। हम इसको थोड़ा ग्रीस लगा के बैठा रहे हैं। तो
दोस्तों हमारा जो चार्जिंग पंप है वो लग गया है, ओरिंग वोरिंग सब लगा दिया हूँ, ग्रीस व्रीस लगा के अब हम इसको जॉइंट करेंगे। एक और पंप हो उसके बाद फिर वो वाला पंप लगा देंगे। गियर पंप है, वो वाला गियर पंप का काम है रोटर का ऑपरेट करना। तो दोस्तों इसका सील जो है अभी हम लोग नहीं बैठाए हैं, वो पंप दोनों जॉइंट करके हम इसका सील बैठाएंगे। सील क्योंकि सबसे लास्ट में बैठाना चाहिए, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो साफ्टिंग में तो साफ्टिंग फिर निकल जाएगा, नहीं तो फिर सील ख़राब हो जाएगा। तो ये वाला दूसरा पंप है वो धुल गया, अब हम उसमें फिट कर देंगे। ज़्यादा नहीं मानो, थोड़ा थोड़ा तो दोस्तों अब हम इसका पंप को नीचे लेके इसका सील लगा देंगे। तो दोस्तों पहले हम पंप को थोड़ा घुमा के देख लेंगे सही है। अब इसमें सील लगा देंगे अच्छे से साफ करके। तो अब हम इसका प्लेट लगा देंगे लॉक।
तो दोस्तों ये पंप हो गया है हमारा तैयार। अब हम